हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग माई। मैं एकदम अच्छा हूँ। अच्छा, आप लोगों के रहते हुए मुझे क्या परेशानी हो सकती है? आप लोग इतनी दुआएं करते हैं, इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मेरे को तो कुछ हो नहीं सकता है। क्या हुआ था, थोड़ी गले में दिक्कत आ गई थी इस वजह से। और राजन के रहते तो कुछ हो नहीं सकता। बस यही प्यार चाहिए। मैं एकदम अच्छा हूं। आज मैं कुछ प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। तीन प्रश्न होंगे। मेरा चश्मा जो है बंदर लेकर चले गए। कल मैं खुली छत पे बैठा था और वो मैंने वहां पे छोड़ दिया, बंदर लेके चले गए। सच है ये। मैं उसको ढूंढ रहा था तो मालूम चला कि मैंने वहां पर छोड़ा था, अब वो वहां पे अवेलेबल नहीं, यानी कि बंदर ले गए। और कोई तो लेके जा नहीं सकता। हमारे यहाँ तो आते हैं, हालचाल भी लेते हैं। सर हमारे राजस्थान में कॉलेज पर, चलिए तो अच्छी बात है। दीपक आ गए हैं? दीपक अवेलेबल है? अभी नहीं, आज आप बहुत खुश हैं, प्रिपरेशन करते हैं। भाई आप खुश भी नहीं हो सकते। चलिए आज जो है ना, तीन प्रश्न डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में तीन प्रश्न पूछे गए हैं और इन तीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक मिनट और इंतजार कर लेते हैं ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ वास्तव में जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। पेपर कितने मार्क्स का होगा? पेपर वन कितने होगा? 250 मार्क्स का होगा। हाँ आज बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली आज क्लास बढ़ जाएंगी, कल भी क्लास होगी और ये क्लास 26 तक चलेगी। ये इस कोर्स की क्लास 27 तक चलेगी। आज दोपहर तक जब तक हो सके हम क्लास ले रहे हैं, उसी बीच में ये शेड्यूल हो जाएंगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल भी क्लास होगी, परसों भी होगी, क्लास रेगुलर होगी, संडे को नहीं होगी। पेपर कितने मार्क्स का होता है? 250 मार्क्स का होता है। ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं? 10, 20, 20, 50 मार्क्स हो गए। अब बताइए किसी लेक्चर से, एक लेक्चर से अगर आपके 50 मार्क्स की तैयारी हो जाए तो यानी कि पूरी क्लासेस करने से फायदा हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको कुछ प्रश्नों को ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब मैं उसको डिफाइन करूंगा तो आप कहेंगे कि हाँ ये टॉपिक तो हमने पढ़ा है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। मैंने आपसे बोला था ना कि जब हम ऑप्शनल कंप्लीट कर लेंगे तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बकायदा डिस्कस करेंगे, जो एक इंडिविजुअल कोर्स होगा। आपको लॉजिकली सोचना होगा, क्या ऑप्शनल की क्लासेज एक बार देखने से आप 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है भाई, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन समय समय पे करना होगा। समझना होगा कि हमने क्या सुना और क्या समझा, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आप में से बहुत लोग कोशिश तो करते हैं कि हम आंसर लिखेंगे लेकिन हो नहीं पाता है। आप भी लिखिए अखिल, बहुत बढ़िया आदर्श। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नों के ऊपर, आ जाए। ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज से हम लोगों की यूनिट 7 शुरू हो रही है।
मैंने यूनिट 9 के नोट्स अपडेट सेक्शन में अपडेट कर दिए हैं, मिल भी गए होंगे नातेदारी वाले चैप्टर्स के नोट्स। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या है? विवाह में समकालीन प्रवृत्तियों और परिवार के बदलते रूपों के बीच संबंध का परीक्षण कीजिए। विवाह में समकालीन प्रवृत्तियां, ये है 100 वर्ड्स, है ना, यानी कि आपको 10 मार्क्स के लिए इस पे फोकस करना है पहले सेक्शन पे। परिवार के बदलते रूपों के बीच संबंध का परीक्षण, यानी कि ये 10 मार्क्स। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन आपकी जानकारी में नया है क्या? ये क्वेश्चन नया है? नहीं, बिल्कुल भी नया नहीं है, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लेकिन क्या आप इसके ऊपर आंसर लिख पाएंगे इसकी शब्द सीमा में? क्या अभी आप इस प्रश्न का आंसर लिख पाएंगे? क्या मैंने इस सेक्शन को क्लास में डिस्कस किया है? क्या इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है? अगर डिस्कस किया है, यानी कि 20 मार्क्स आपके। अब मैं लिखने का पैटर्न आपको बताता हूं। क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है? क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है? हमें किस पे फोकस करना है? विवाह के ऊपर फोकस करना है। हाँ, बहुत बढ़िया। विवाह के दायरे में ही सब चीजें पूछी गई हैं। विवाह में समकालीन प्रवृत्तियां और परिवार के बदलते रूप। कोई बता सकता है कि समकालीन कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं? कोई भी एक दो पॉइंट पे डिस्कस कर सकता है। विवाह में समकालीन प्रवृत्तियां, दूध पता क्या हम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या हम रीजनल विवाह के बारे में लिख सकते हैं? बहुत सारे क्षेत्रीय विवाह भी होते हैं, क्या हम क्षेत्रीय विवाह को इस प्रश्न में लिखेंगे तो क्या हमारा पॉइंट जो है सॉलिड हो सकता है? क्या लिव इन रिलेशनशिप आएगा? क्या लिव इन रिलेशनशिप को हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं? तो फिर वो विवाह में समकालीन प्रवृत्तियां कहलाएंगी। अगर हम लिव इन रिलेशनशिप को विवाह के समकालीन प्रवृत्तियों में डालेंगे तो क्या फिट बैठेगा पूरी तरह से? बैठ सकता है ना? लेकिन लिव इन रिलेशनशिप है ना, लेकिन वो जो है पूरी तरह से हम इससे जो है ना परिवार के स्वरूप बदलेगा नहीं। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने बोला लव मैरिज है ना, दूसरा इंटरकास्ट मैरिज, तीसरा इंटर रिलीजियस मैरिज, 3 मैरिज। फिर मैंने आपको बताया था ढूकू प्रथा, एक ढूकू प्रथा बताई थी। फिर हाँ, कोर्ट मैरिज भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं कोर्ट मैरिज। फिर एक पकड़ प्रथा है ना, इतने प्रकार के हमने टाइप्स बताए। अब हम इन 5 प्रथाओं के ऊपर, 5 टाइप्स के ऊपर फोकस करेंगे तो ये प्रवृत्तियां होंगी और इसी से परिवार के स्वरूप में परिवर्तन हम फोकस करेंगे और क्या करेंगे, विद एग्जाम्पल बताएंगे, विद एग्जाम्पल बताएंगे।
ये बताइए, क्या आपको मार्क्स मैक्सिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या आपने इस क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल किया कि नहीं किया? मिलेगा ना? इस क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, मॉडल आंसर मिल जाएगा, है ना? मैं मॉडल आंसर के ऊपर ही काम कर रहा हूँ अभी तो। आप लोगों को अभी तो मैं जीएस के मॉडल आंसर बना रहा हूँ। जीएस के मॉडल आंसर आप लोगों को धीरे धीरे मिलने लगेंगे, फिर ऑप्शनल के भी मिलने लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट कि उसके पास शब्द सीमा कम है? शब्द सीमा की कमी है? नहीं, शब्द सीमा की कमी नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय समाज में नातेदारी प्रणाली की प्रादेशिक भिन्नताओं पर चर्चा करनी। अब प्रादेशिक भिन्नता का क्या मतलब हुआ? आपको पता है कि कहीं कहीं पर महिलाओं या फिर कुंवारी लड़कियों के पैर छुए जाते हैं, कुंवारी लड़कियों के पैर छुए जाते हैं। जैसे हमारे पूर्वांचल में क्या होता है, भाभी और देवर माँ और बेटे के बराबर माने जाते हैं, है ना? माँ और बेटे के बराबर माने जाते हैं। हमारे नातेदारी में सिस्टम है कि मामा का जूठा नहीं खाते, शायद ऐसा है ना? मामा का जूठा नहीं खाते हैं, है ना? यही है ना, यही चीज है ना? एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि हाँ ये सच है। हाँ, यूपी में है शायद, यूपी में है, यूपी की बात में कर रहा हूँ। अब ये बताइए, नातेदारी में क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि हम जो है कि नातेदारी में, जैसे कि कुछ लोग पूर्वांचल के हैं, है ना, मान लेते हैं कि ईस्ट साइड के हैं, ये मान लेते हैं यूपी ईस्ट, यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट में बहुत सारे अंतर होते हैं नातेदारी में। आपने देखा होगा नातेदारी में जब आपके विवाह होता है तो जैसे कि हम लोगों के यहाँ प्रचलन है कि हम लोग दिशा के अनुसार शादी करते हैं। हमारे पूर्वांचल में जैसे बलिया में एक अवधारणा बनी होती है कि इस दिशा में शादी नहीं होगी। अगर हम ईस्ट में रहते हैं तो हो सके ये अवधारणा बनी होगी कि इस गांव के लोग इस डायरेक्शन में शादी नहीं करते हैं। अब इतना नहीं चलता, लेकिन ये क्या है, नातेदारी का ही सिस्टम है ना। हम क्या कर रहे हैं कि हो सके चीजें पसंद हो। अच्छा देखिए, का मतलब समझ लीजिए क्या है, कुछ लोगों को मतलब नहीं समझ में आया। अब जैसे मान लेते हैं कानपुर ईस्ट में है ना, कानपुर वेस्ट में है, ठीक है, और फिर लोग इलाहाबाद में इसलिए नहीं शादी करेंगे क्योंकि कानपुर के ईस्ट में है ये इलाहाबाद, यानी कि पूर्व दिशा में शादी नहीं करेंगे। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, एमपी में हो सकती है ना, वो दिशा के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो दिशा किधर पड़ेगी, वहां का कौन सा एरिया लगेगा, वो अलग डायरेक्शन होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के दिमाग में ये अवधारणा रहती है भैया, है ना, ये सिस्टम है। उसके ऊपर भी आएंगे, उसके ऊपर भी आएंगे ना, अभी हम लोग क्षेत्रीय आ रहे थे, वो तो हम लोग एकदम डेफिनेटली पूजा जो बात करें उसके ऊपर। हाँ ऐसा होता है तभी तो मैं बता रहा हूं।
अब आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें होंगी कि कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि हमें जो है उस जिले की, कभी कभी यह अवधारणा होती है कि उस जिले की लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए, ये भी सुना होगा। कुछ स्पेशल जिले होते हैं वहां पे लोग शादी करना पसंद नहीं करते हैं, बेटी देना पसंद नहीं करते हैं, या फिर बहू लाना पसंद नहीं करते हैं, है ना, बेटी देना और बहू लाना, सुना है, बहुत सारी चीजें भी सुनेंगे। जैसे कानपुर के लोग जो है, कितने लोग, कोई कानपुर का है, कानपुर के लोग झांसी से बड़ा सावधान रहते हैं। अगर लव मैरिज भी होगी ना तो भी लोग ठोक पीट के करते हैं, है ना, सब चीजें अच्छे से जांच परख के, क्योंकि यहाँ पे जो है ना रिस्क होता है। अच्छा, गलती से झांसी निकल गया, है ना, लेकिन अब हमें क्या मालूम है ना, एक मेंटेलिटी होती है। रानी लक्ष्मीबाई, ये किसने बोला, बहुत बढ़िया, हाँ ये हो सकता है, ये सॉलिड पॉइंट है, ये हो सकता है सॉलिड पॉइंट, कहीं रानी लक्ष्मीबाई मिल गई तो तलवारें चल जाए, गोलियां चल जाए, बेलन चल जाए, इस बात का डर रहता होगा। प्रादेशिक भिन्नता में क्या होता है, मामा भांजी में भी शादी हो जाती है, परिवार में ही शादी हो जाती है, हो जाती है। हाँ, परिवार में ही शादी हो जाती है, कितने लोग साउथ इंडियन मूवी देखते हैं, साउथ इंडियन मूवी देखते हैं, देखते हैं साउथ इंडियन मूवी में क्या होता है, जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वहां पे बहुत सारी मूवी में मामा के लड़के या मामा की लड़की से शादी हुई है, आपने ध्यान दिया है कभी। होती है, यानी कि आप लोग पिक्चर जो है ध्यान से नहीं देखते हैं, आप लोग अच्छे ऑब्जर्वर नहीं है, कुछ लोगों ने यस बोला, यानी कि ऑब्जर्वर, अच्छा आप रियल में देखते हैं, राजन तो भाई स्मार्ट है, ये रियलिटी में बिलीव करते हैं, और ये तो वहां से जुड़े हुए हैं, काजल अग्रवाल, बट यार सही नहीं है। आपको पता है कि एक खाप पंचायत चली थी, और खाप पंचायत का नाम सुना है, खाप पंचायत का उद्देश्य क्या था, यही था, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत कुछ मूवी से देखने को मिल जाता है। खाप पंचायत का उद्देश्य बस यही था कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए, एक ही गुणसूत्र में विवाह नहीं होना चाहिए, यही तो मतलब था, क्योंकि उनका मानना ये था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका इस पे बिलीव नहीं था कि जेनेटिकली प्रॉब्लम होगी, लेकिन साइंटिफिकली यही मतलब था कि अगर एक ही गोत्र में विवाह होगी तो जेनेटिक्स में प्रॉब्लम्स आएंगी, गुणसूत्रों में प्रॉब्लम आएगी, और ऐसा रियल में भी होता है। आपने, अक्टूबर की बात है, अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में एक इंसिडेंट आया था कि एक ही खानदान में लड़के और लड़की को प्यार हो गया, है ना, एक ही खानदान के लोग थे, खानदान का मतलब समझ रहे हैं ना, एक ही परिवार, और लड़का और लड़की एक दूसरे को प्यार हो जाता है, लेकिन उस लड़की की प्रेगनेंसी में उसको प्रॉब्लम होती है, होनी थी, जेनेटिकली प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर मान लेते हैं प्रेगनेंसी में नहीं होगी तो हो सके,
बच्चे पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जो है इसका विरोध किया जाता है, और खासकर डॉक्टर्स कभी भी, जैसे मान लेते हैं कि अगर मेरे पिताजी डॉक्टर हैं तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा विवाह जो है किसी खानदान की किसी लड़की से हो। वो जिंदगी भर विरोध करेंगे, वो इसी वजह से करेंगे। अब जैसे मैंने आपको एक ढूंकू प्रथा बताई, अब ढूंकू प्रथा में सुना होगा काफी लोगों ने, हाँ हमारी जो, हाँ बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो संस्कृति है वो साइंटिफिक है। हम जैसे कि तुलसी खाते हैं, है ना, तुलसी अपने घर में लगाते हैं, इसके पीछे साइंस है। लेकिन जब लोग लगाते थे प्राचीन काल में तो उन्हें साइंस नहीं पता था इसका। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं साइंस था। हम जो कुछ भी हमारी संस्कृति में जो चीजें हो रही हैं या चली आ रही हैं उसका कहीं ना कहीं साइंटिफिक अप्रोच रहा है। इसीलिए जो लोग हैं, यानी कि अन्य देश के लोग, भारतीय संस्कृति को बहुत लॉजिकल मानते हैं और बहुत एप्रिसिएट करते हैं। चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, चाहे वो दुर्खीम हो, उन्होंने भी भारतीय समाज को काफी एप्रिसिएट किया है, उनके सिद्धांतों को। क्या नातेदारी में आप, जैसे कि आप सभी, जैसे कितने लोग अलग अलग राज्य से हैं, जैसे कि अगर हम मान लें हमारी क्लास में ऑडियंस या तो दिल्ली राज्य से है, या तो राजस्थान से है, या तो मध्य प्रदेश से है, और या तो उत्तर प्रदेश से, है ना, आधी आबादी तो उत्तर प्रदेश से है, और कहीं पर भी उत्तर प्रदेश वाले ज्यादा रहते हैं। अच्छा बिहार भी, हम बिहार छूट गए। ये पांच राज्य हैं, है ना, यूपी, हाँ यूपी में ही बलिया आ गया, है ना, पांच राज्य हैं। अब ये बताइए, अगर आप एक दूसरे से अपनी नातेदारी में क्या क्या अंतर है, क्या क्या चीजें होती हैं, अगर आप एक दूसरे से शेयर करें, तो क्या इन फ्यूचर इस क्वेश्चन का आंसर आप बेस्ट लिख सकते हैं कि नहीं, और उसमें विविधता होगी कि नहीं होगी। झारखंड, है ना, झारखंड छह स्टेट है। अब ये बताइए, छह स्टेट हैं, छह स्टेट में बहुत सारे जिले होंगे, और उन जिलों में बहुत सारी भिन्नताएं होंगी, और उन भिन्नताओं को अगर आपने समझ कर लिख दिया, मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन ये तो तभी हो पाएगा ना जब आप अच्छे ऑब्जर्वर होंगे, जब आपने चीजों को ऑब्जर्व किया होगा, तभी तो ऐसा कर पाएंगे। जैसे कि अगर मुझसे कोई कहे कि अगर प्रादेशिक भिन्नता के ऊपर लिखना है, तो मैं पूर्वांचल के ऐसी बहुत सारे सिस्टम्स के, बहुत सारी नातेदारी के एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां पे ये पूरा आंसर फुलफिल हो जाएगा। लेकिन वो क्या होगा, वहां पे हम किसी भी राज्य का या फिर सिर्फ पूर्वांचल शब्द को कोट नहीं करेंगे, हम उसको इस आधार पर लिखेंगे कि एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि हम बहुत सारे क्षेत्रों की भिन्नताओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, कि किस तरीके से हम चीजों को प्रेजेंट करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कंपेयर तो नहीं कर रहे, जैसे भिन्नता, जैसे हाँ कंपैरिजन तो इनडायरेक्टली चला जाएगा ना, कंपैरिजन, जैसे कि प्रादेशिक भिन्नता, अगर हम भिन्नता दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो चला जाता है। देखिए अगर आपको पता है तो डेफिनेटली लिख सकते हैं, नमस्कार। अगर आपको राज्य, हाँ
हम कहाँ जा सकते हैं, हम तो यहीं पे रहेंगे, बस नेट चला जाता है। क्लियर है ना अब तो? चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए ऐसा होता है ना, लेट आने में यही होता है कि हम कर क्या रहे हैं ये नहीं पता चलता है। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, नेट सही कर रहे थे, अब नेट सही हो गया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम टॉपिक के ऊपर फिर से आएंगे। अब किसी ने, पूजा ने पूछा था कि इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग क्या होगी, है ना, तो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। कितने लोग दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, बैठते हैं आप सभी, तो जब वो लोग, हम लोग कहते नहीं है अरे यार इस टॉपिक पे बात हो रही थी, तुम किसी और डायरेक्शन में क्यों बात कर रहे हो, बात करना है तो इस टॉपिक पे करो, नहीं तो फिर मत करो। यानी कि जब हम डिस्कस करते हैं तो क्या करते हैं, उस कीवर्ड को याद रखते हैं। अब ये बताइए कि इसका कीवर्ड क्या है, नातेदारी प्रणाली पर प्रादेशिक भिन्नता। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, हम ये कहेंगे कि ना भारतीय समाज में, हमारा जो भारतीय समाज है वो विविधताओं से भरा हुआ समाज है, ठीक उसी तरह से नातेदारी प्रणाली में भी बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में विवाह करने से पूर्व दिशा का निर्धारण करना जरूरी होता है ना। इस तरीके से आप अपने प्रश्न को कोट कर सकते हैं, और जब कोट करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखते जाएंगे। कोई एमपी का दे सकता है ढुकू प्रथा के बारे में, कोई बिहार के बारे में दे सकता है ना, और फिर साउथ के बारे में लिख सकता है कि वहां पर किस तरीके से नातेदारी को ध्यान में न रखते हुए मनुष्य को ध्यान में रखते हुए विवाह संबंधों में बांधा जाता है, वहां पर किसी भी प्रकार से रक्त संबंधी रिश्तों को नहीं देखा जाता है विवाह में बंधने से पूर्व। आप इस तरीके से अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप देखिए कभी भी इस ऑप्शनल में नोट्स के पीछे मत भागिएगा। ये जो समझ है ना, अगर आपने ये समझ डेवलप कर ली तो आप 200 वर्ड इतने सॉलिड तरीके से लिखेंगे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम सुनने पे कम, नोट्स कैसा है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना यही बात, और यहीं पे आप सबके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। आपका नया ग्रुप वही है? अरे वो नया जो ग्रुप बना है ना, वो इसलिए बना है क्योंकि वहां पर सिर्फ इकोनॉमी की बात होगी, वहां पर जो भी जीएस संबंधी कोर्स होंगे वो लॉन्च होंगे, उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, और ये ऑप्शनल वालों को सिर्फ ऑप्शनल की बातें होंगी ना। हाँ पूछ लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। पूजा समझ में आ रहा है क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग किस तरीके से होगी? मैं इन सब के ऊपर, देखिए हर यूनिट के ऊपर एक मॉडल आंसर जरूर प्रोवाइड करूंगा, हर एक यूनिट के ऊपर, लेकिन समय लगेगा। जैसे पहले जीएस के क्वेश्चंस अभी बन रहे हैं, मॉडल आंसर बन रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से इन फ्यूचर जो है ऑप्शनल के भी मॉडल आंसर मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपके मेन्स से पहले, यानी कि जब आप अक्टूबर का प्रीलिम्स दे देंगे उससे पहले ही। हाँ मैं आज उनको समझा दूंगा, मैं जो भी ग्रुप में लोग हैं उनको मैं समझा दूंगा कि इस तरीके की एक्टिविटी ना करें। मैंने क्लास में ही उस दिन बोल दिया था, मैंने देखिए मैंने उस दिन समझा दिया था ना, मैंने 9 बजे वाली जो परसों क्लास हुई थी, मैंने एकदम क्लियरली चीजों को समझा दिया था। हर एक संभावना जो होने वाली थी उन संभावनाओं पे बकायदा हमने डिस्कस किया था। अब नहीं समझदार हैं तो फिर अब हम कुछ कर नहीं सकते। अब हम लोग आएंगे
जो हम लोगों की यूनिट शुरू होने वाली है, यूनिट 7 शुरू होने वाली है। ये देखिए, हमने 40 मार्क्स को डिस्कस कर लिया। सर मैंने इकोनॉमी पढ़ ली है तो क्या आपकी क्लास लेनी? नहीं, आप नहीं लेनी है ना, अगर आपने पढ़ ली है तो फिर क्यों पढ़ेंगे? मैंने कहा है ना कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मनसाना, एक किसी को फॉलो कर लिया है बस खत्म हो गई कहानी। ये 40 मार्क्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए इस क्वेश्चन में। यहां तक के दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अरे मधुशाला का मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं ना, मधुशाला का मतलब है लक्ष्य। सर पढ़ने पढ़ी तो मैंने भी है मार पटेल सर की, हाँ तो उनसे पढ़ ली तो फिर हमसे पढ़ के क्या करेंगे, है ना? अगर जिसको पढ़ना है तो पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने को पढ़ सकता है। लेकिन आपने मैक्सिमम देखिए रिवीजन जरूर करिए, जिससे भी आपने पढ़ लिया है ना रिवीजन जरूर करिए। हाँ जो मेरे साथ है वो तो फिर अच्छी बात है। हाँ अब लोग आते हैं यूनिट 7 के पहले क्वेश्चन से, पीडीएफ से पढ़ा नहीं जाता, प्रिंट आउट ले लीजिए, है ना, पीडीएफ से तो हम भी नहीं पढ़ पाते। तो मैंने जब यूपीएससी की तैयारी की थी तो मुझे मालूम था कि मुझे प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने प्रायोरिटी लेवल पे अपनी स्कॉलरशिप से पहले प्रिंटर ही खरीदा था और फिर मैंने काम को शुरू किया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है और मुझे जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। 7-8 हजार में मिल जाता है ना, कभी भी खरीदना होगा तो एचपी 10-20, है ना, एचपी 10-20 प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, वो मिल जाएगा 7-8 हजार में, है ना। मैंने लिया था 7,200 रुपए का लिया था, है ना, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेजर प्रिंटर लीजिएगा तो उसकी कॉस्ट कम आएगी, जो प्रिंट आउट की कॉस्ट है वो बहुत कम आएगी, 150 रुपए में आपको 2,000 पेज प्रिंट आउट निकल जाएंगे, ऐसी कॉस्ट आती है। चलिए आपकी क्लास भी ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? डेफिनेटली ज्वाइन कर ली। देखिए ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी ज्वाइन करना है रात में 9 बजे ज्वाइन कर सकता है, लेकिन बिना खाना खाकर आएगा क्लास में, ठीक है। अगर खाकर आएंगे तो फिर आप लोग सो जाएंगे, तो बिना खाना खाए आएंगे, 10:30 बजे खाइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो यूनिट 7 है, राजनीति और समाज। हाँ मैं भी नहीं खाता हूं, ये बात सच है, तो जो चीज मैं कह रहा हूँ वो अपने ऊपर अप्लाई भी करता हूँ। अब ये बताइए, ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर का, पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली में दबाव गुटों की गत्यात्मक जांच करिए। गत्यात्मक शब्द का मतलब समझ रहे हैं? इंग्लिश वर्ड देखेंगे तो मालूम चलेगा, ये तो डायनेमिक होता है। डायनेमिक शब्द सुना है? तो गत्यात्मक का इंग्लिश वर्ड होता है डायनेमिक अप्रोच। हिंदी कभी कभी बहुत खतरनाक होती है। अगर मान लेते हैं कि अगर इंग्लिश ना लिखी होती तो क्या कभी आप इसका आंसर लिख पाते हैं? क्या क्वेश्चन समझ पाते हैं? क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन जब ना समझ में आए तो क्वेश्चन को बहुत सिरों से देखिए, क्या चीज पूछिए। अभी देखिए ऐसा है ना कि हम लोगों ने नातेदारी खत्म कर दिया है, राजनीति और समाज अब शुरू होने जा रहा है, उससे रिलेटेड ये पहला प्रश्न मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने ये 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो नातेदारी से संबंधित है, अब हम लोग आ रहे हैं राजनीति और समाज से संबंधित चैप्टर को लेके, ताकि आप लोगों को एक समझ डेवलप हो जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस यूनिट से। जब इंग्लिश नहीं आती है, जैसे कि आपको अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए, 10th लेवल की ग्रामर तो आनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, इंग्लिश के पेपर में फेल हो जाएंगे, और फेल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, आईएएस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कंपलसरी पेपर में पास नहीं होंगे, यानी कि आप फेल हो गए एग्जाम में,
चाहे एथिक्स में 150 नंबर ले आइए, चाहे एसे में चाहे ले आइए, लेकिन मुझे बताना क्या, मैं तो ये तो जानूं। पूजा पूछ लीजिए पूरा, जैसे कंप्लीट लिखा करिए ना कि मुझे बताना क्या। मैं भी सोचता हूँ कि यार मैं बताऊं तो क्या बताऊं, जब तक ये कमेंट टाइप करेंगे तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। डायनेमिक अप्रोच का मतलब समझते हैं, अभी देखिए डायनेमिक्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, हम मल्टी डायमेंशनल। यहां पर बहुदलीय राजनीति प्रणाली, यानी कि ऐसी व्यवस्था जहां पर बहुत सारे दल हैं। हमारे भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में बहुत सारे दल हैं कि नहीं। दबाव गुट, यानी कि ये दबाव समूह की बात हो रही है, यानी कि यहां पर गुट की जगह समूह होता। कभी कभी क्या होता है कि कमेंट जो है ना ऊपर चला जाता है, जब आप कह रही होती हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हम कमेंट पे फोकस करें। आप लोग मुझे नहीं समझते और आप सोचते हैं कि हम आपको समझें, यानी कि आप मुझे भी तो समझिए कि अगर मैं फोकस नहीं होऊंगा तो फिर फोकस होके पढ़ा नहीं पाऊंगा। अगर आपको लगता है कि वो चीज मैं नहीं बता पाया तो आप जरूर दोबारा टाइप कर लीजिए ना, और टाइप कर लेंगे तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं परेशानी होगी। आप दोबारा कह सकते हो और मैं क्वेश्चन को जरूर लूंगा। ये चीज को याद रखिए कि मैं किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करता हूं, अगर मेरी नजर के सामने आए तो। चला गया तो फिर मैं दोबारा कहता हूं कि आप जरूर टाइप करिए। हाँ, अब आते हैं जो बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है उसमें दबाव समूह। दबाव समूह सुना है? अब ये गुट से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, गुट की जगह समूह। देखिए यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 10 नहीं हुई है, है ना, ये चीज याद रखिए। अब हम लोगों का राजनीति और समाज शुरू होने जा रहा है, उसी से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझ रहे हैं? अब इतनी बात समझ में आ गई कि हम लोग किस यूनिट के कौन से प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं। ये राजनीति और समाज से संबंधित पहला प्रश्न है, अभी कोई भी टॉपिक नहीं हुआ है राजनीति और समाज से संबंधित। यूनिट 8 का 4 बा, देखिए बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है हमारे देश में, और वहां पर दबाव गुटों की यानी कि जो प्रेशर ग्रुप है उनकी डायनेमिक्स के साथ जांच करनी, यानी कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ जांच करनी है। अब क्या है कि यहां पर जो बहुदलीय है, हर दल की अलग विचारधारा होती है, होती है ना, हर दल की अलग विचारधारा होती है। जैसे बीजेपी की अलग है, कांग्रेस की अलग है, और जैसे ही सरकार बदलती है यानी कि सत्ता में परिवर्तन आता है, योजना बदल जाती है, योजना का स्वरूप बदल जाता है, योजना का कार्य बदल जाता है। ये उसी के ऊपर तो फोकस कर रहा है। अब ये प्रेशर ग्रुप क्या करेंगे, जैसे आप सोचिए, एग्जांपल समझिए, मान लेते हैं अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बीजेपी की सरकार 2024 में नहीं आती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सरकार नहीं आएगी, मैं ऐसा मान रहा हूं, कोई जज्बाती नहीं होगा, मैं ऐसा मान रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है, लिख दे रहा हूं, नहीं तो मालूम चला हम ही को कह दे कि सर ने सरकार गिरा दी, समझाने के लिए 2024 में सरकार नहीं आती, और गलती से किसकी सरकार बन जाती, आपकी, है ना, आपकी नहीं, ये जो केजरीवाल वाले हैं,
केजरीवाल की सरकार बन जाती है। अब जितने भी प्रेशर ग्रुप होंगे वो पहले इनकी नीतियों से प्रभावित होंगे कि हाँ ये सरकार जो है नीतियों को इम्प्लीमेंट कर रही थी, आगे भी नई सरकार आएगी तो इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन केजरीवाल क्या कह रहे हैं, हटाओ सारी योजनाओं को, बंद करो जो ये बीजेपी की सारी योजनाएं हैं, बंद कर दो, और ये क्या करेंगे सब कुछ फ्री कर दो, है ना, ये कहेंगे सब कुछ फ्री कर दो। अब बिजली वाले आ जाएंगे, बिजली विभाग वाले चढ़ बैठेंगे, कृषि विभाग वाले अलग चढ़ बैठेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग वाले अलग चढ़ चढ़ बैठेंगे। ये सब क्या, ये सब प्रेशर ग्रुप ही तो हैं। जब कोई समूह में बात करता है, कोई ग्रुप में बात करता है और अपनी मांग को पूरा करवाने की कोशिश करता है तो वो प्रेशर ग्रुप होता है। प्रेशर ग्रुप में क्या स्टूडेंट यूनियन आ सकता है? क्या स्टूडेंट यूनियन प्रेशर ग्रुप में आएगा? डेफिनेटली आएगा। यानी कि समूह में अगर एक ही हित की बात हो रही है तो वो प्रेशर ग्रुप में आएगा। अब ये क्या होगा यहां पर, अब जैसे मान लेते हैं कि कौन सी योजना चल रही है सिलेंडर को लेके, उज्ज्वला, बीजेपी की सरकार में उज्ज्वला योजना चल रही है। इन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना बंद करो, इनको लगेगा कि ये इनका नुकसान हो रहा था। किसका? जो एलपीजी से जुड़ी कंपनियां थी, ठीक है, जैसे ही बंद करेंगे तो किस हित को प्रॉब्लम होगी? किसको प्रॉब्लम होगी? महिलाओं को होगी। महिलाओं को होगी कि नहीं होगी? अब ये महिला संगठन जो है, महिला संगठन क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो है इस नियम को वापस ले। यही उद्देश्य होगा। यही मतलब होगा। अब ये जो महिला संगठन है तब तक विरोध करेगा जब तक कि इनकी मांग पूरी ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार से किसान भी अपनी मांग करेंगे, हो सके ये कह दे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है अब हम नहीं देंगे, हम इसको कम कर रहे हैं। अब ये प्रेशर बनाएंगे, लोग सब्जी फेंकना रोड पे चालू कर देंगे, दूध बहाना शुरू कर देंगे, तो ये क्या है, पूरी तरीके से प्रेशर बनेगा। तो आप इस क्वेश्चन की शुरुआत क्या करेंगे? बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या विचारधारा की होती है। जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो विचारों और नीतियों में भी परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से दबाव समूह की भूमिका में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको प्रश्न की शुरुआत करनी है, इंट्रो की शुरुआत करनी है, फिर बाकी आप जो है एग्जाम्पल के थ्रू ये बताएंगे कि किस प्रकार के दबाव समूह किस तरीके से अपनी मांग को पूरा कराने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि हाल ही में किसान आंदोलन हुए थे, हाल ही में शिक्षक आंदोलन हुए थे, अभी लास्ट ईयर उसके लिए प्राइमरी टीचरों के लिए विरोध हुआ था नियुक्ति पत्र को लेके, यूपीपीसीएस में पारदर्शिता को लेके विरोध हुआ था, एमपी में अलग विरोध हुआ था ना। तो ये सभी क्या है, एक हितधारक है, एक ही समूह वाले लोग हैं, और वो क्या कर रहे हैं, सरकार को, सरकार की प्लानिंग को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हाँ, सीए विरोध वो तो है ना, सांप्रदायिक हो गया। तो क्या है, कुछ एक्टिविस्ट जो थे, एक्टिविस्ट ने भी विरोध किया, सिविल सोसाइटी के लोगों ने विरोध किया। ये क्या होता है कि सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, और ये जो प्रेशर होता है ये पूरी तरह से क्या होता है, उस नीति या उस कानून के
विरोध में होता है जो सत्ताधारी लाते हैं। बस प्रेशर ग्रुप का उद्देश्य यही होता है कि जो उनकी मांग है उसको मान लिया जाए। विरोध कब तक होगा? जब तक कि मांग पूरी ना हो। आप घर वालों से कब तक नाराज रहते हैं? आप तभी तक नाराज रहते हैं जब तक कि आप जो कहना चाह रहे थे, जो आप मनवाना चाह रहे थे, वो मान नहीं जाते हैं। बस ये क्वेश्चंस हो गए डिस्कस। ये आपको, ये सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको लिखने हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है कि प्रेशर ग्रुप का उद्देश्य यही होता है कि गवर्नमेंट से अपनी नीतियों को मनवाना। अब आपने देखा था, अभी आपको बस वाला एग्जांपल याद आ रहा है, 1,000 बस वाला, जब कांग्रेस ने कहा था कि हम 1,000 बसों को भिजवा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक अवधारणा बनी हुई है जिसको समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा माना जाता है कि जो बीजेपी है वो पूंजीवादी विचारधारा की ओर अग्रसर है और जो कांग्रेस है वो समाजवादी विचारधारा की ओर अग्रसर है। ये मानकर हम लोग समझेंगे चीजों को, ठीक है ना। लोगों का ऑब्जर्वेशन अलग अलग तरीके का है, कुछ लोग इसको समाजवादी भी बोलते हैं, कुछ लोग पूंजीवादी बोलते हैं, तो अलग अलग तरीके से देखते और समझते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस थी जो 1,000 बस देना चाह रही थी, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, कोई बता सकता है? उसके पीछे उद्देश्य क्या था? एनीवन? नहीं, राजनीति से परे जाके बताइए। राजनीति तो थी है ना, वो तो कोई अलग बात नहीं है, राजनीति तो थी। इस क्वेश्चन से रिलेट कुछ कर रहा है क्या? नहीं, हम तो बता ही देंगे। मैं आप लोगों से इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आप लोग भी तो सोच सके। अगर सब कुछ अगर हमने परोस के दे दिया तो फिर आपने क्या यूज किया? और मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। पब्लिसिटी नहीं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बताइए ना। नहीं, अपने आप को उच्च दिखाना। कुल मिलाकर ये मकसद था। हम ये समझते हैं कि मतलब ये था कि सरकार जो है श्रमिकों के लिए खुद से करे या फिर हमारी कुछ जरूरत ले, लेकिन उद्देश्य बस ये था कि श्रमिकों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, यही मतलब था ना। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम भेज रहे हैं 1,000 बसें, यही तो मतलब था। कुल मिलाकर मतलब ये था कि श्रमिकों के बारे में सोचा जाए, जो सरकार है उनके हितों के बारे में सोचे। वो एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी। राजनीतिक दल भी क्या होते हैं? एक प्रेशर ग्रुप की तरह होते हैं। विपक्ष क्या होता है? एक प्रेशर ग्रुप होता है। तभी तो कहा जाता है कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, इसीलिए तो कहा जाता है। हमें देखिए, जब हम कभी भी ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को पढ़ेंगे, जैसे कि जब कहां जैसे कि जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है, तो हमें कभी भी ये सोचना है कि समाज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि आप किस तरीके से सोचेंगे? समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से। आपको सत्ता तो नहीं चाहिए? आप में से किसी को सत्ता चाहिए? नहीं। आपको क्या बनना है? प्रशासक बनना है, और उस प्रशासक को बनने के लिए एक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑप्शनल लिया है। बस इसी वजह से आपको समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण चाहिए। तो आप कभी भी राजनीति और समाज के चैप्टर में और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर में कहीं पर भी राजनीतिक नहीं होंगे, ना अपनी पर्सनल व्यक्तिगत विचारधारा को आंसर में हावी होने देंगे। सबको पता है कि सब सबने राजनीति की,
श्रमिकों के ऊपर सबने राजनीति की, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो, यहां तक कि समाजवादी पार्टी ने भी, किसी ने कुछ भी नहीं छोड़ा है इस COVID-19 में। क्योंकि सबका उद्देश्य क्या होता है, सत्ता को प्राप्त करना और फैक्ट को क्या करना, मैनिपुलेट करना। लेकिन आप देखते हैं बहुत सारे पैनलिस्ट होते हैं, आप डिबेट देखते हैं, कितने लोगों ने कभी डिबेट देखा है, किसी भी न्यूज चैनल पर कभी डिबेट देखा है? आप में से सभी ने डिबेट देखा होगा। और डिबेट में एक चीज कॉमन आती है कि सबके ऑब्जर्वेशन अलग होते हैं, सबके ऑब्जर्वेशन अलग होते हैं, उसकी वजह क्या होती है? हाँ, जेएनयू को भी ले सकते हैं ना, वो स्टूडेंट यूनियन की वजह से। हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। वजह क्या होती है, कोई बता सकता है कि उनके ऑब्जर्वेशन की और उनके अलग अलग टिप्पणी के पीछे वजह क्या होती है? सबके फैक्ट अलग अलग होते हैं। अगर आप समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कहेंगे तो क्या कहेंगे, सबके फैक्ट अलग अलग होते हैं, यही तो कहेंगे ना, जैसे फैक्ट वैसे ऑब्जर्वेशन होंगे। आप सोचिए कि आपको ये फैक्ट पता है कि हर साल 5 लाख महिलाओं की मृत्यु होती है और 2 लाख पुरुषों की मृत्यु होती है, तो आपको यही पता चलेगा ना कि महिलाओं के साथ जो है शोषण ज्यादा होता है। इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और इसी फैक्ट की वजह से पहुंचेंगे। जहां पर फैक्ट डिफरेंट, ऑब्जर्वेशन डिफरेंट। तो कुल मिलाकर ये जो मेरा कहने का मतलब था कि राजनीति और समाज वाले चैप्टर में आपको फैक्ट अच्छे से चेक करना है और फिर अवलोकन पर पहुंचना है। अगर आपका अवलोकन कहीं से भी गलत हो गया, यानी कि आप एग्जामिनर की नजर में गलत हो जाएंगे और आपके फैक्ट हमेशा समाज के हित को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए। इस यूनिट का नाम राजनीति और समाज इसी वजह से है, सिर्फ राजनीति नहीं है या फिर भारतीय राजनीति नहीं है, भारतीय राजनीति का परिदृश्य नहीं है, ये सोच समझ कर यूनिट का नाम रखा गया है। यूपीएससी हर एक शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करता है। जिस तरीके से शब्दों को डिफाइन किया गया है, बताया गया है, ठीक उसी परिदृश्य में समझना है। जिस प्रकार से कांग्रेस का उद्देश्य था श्रमिकों की सहायता करना और उसका अलग एस्पेक्ट भी है राजनीति करना, लेकिन हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या देखेंगे कि यहां पर अगर क्षेत्र राज्य सरकार के पास इतनी काबिलियत नहीं थी तो हम क्या कर सकते थे, सहयोग ले सकते थे, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हेल्प लेते। लेकिन यहां पर अगर हम हेल्प ले लेते तो यह मालूम चल जाता कि सत्ता जो है कमजोर है, पहली बात। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, अगर जिसके पास 1000 बसें हैं, कहीं ना कहीं इनके पास कैसा पैसा है, पैसा कैसा है, भ्रष्टाचार से रहित है, ब्लैक मनी है। मैसेज यही जाएगा ना, किस पार्टी के पास 1000 बसें होंगी जो सत्ता में है ही नहीं और वो 1000 बसों का दावा कर रही है। एस्पेक्ट समझ रहे हैं कि वो करप्ट है। अब सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है ना कि दो गधे हैं और उसमें से हमें चुनना है कि इसमें से कौन सा अच्छा गधा है। यही तो हमारी सत्ता में चयन का आधार होता है, हर 5 साल में यही होता है और फिर हम वही चीज कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये गधा ठीक है और ये थोड़ा कम नुकसान पहुंचाएगा,
हम कर लेते हैं। लेकिन जब किसी भी न्यूज को हम पढ़ रहे हैं जो हमारी यूनिट से जुड़ी हुई है, राजनीति और समाज, धर्म और समाज, तो हम उसमें एक ही चीज को ध्यान रखेंगे कि जो हमारा दृष्टिकोण है क्या कहीं पर्सनल तो नहीं जा रहा है। अगर वो पर्सनल जा रहा है तो वो हमारे ऑप्शनल में हेल्प नहीं करेगा। अगर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है तो हम वहां पर अच्छे हैं, वहां के लिए डायरेक्शन अच्छी है। समझ में आ रही है? बस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कहां पर कौन किस डायरेक्शन में गलत था। अब सोचिए, मान लेते हैं कि हम दो भाई हैं, ठीक है, एक्स और वाई भाई भाई हैं। मालूम है कि एक्स जो है कमजोर है, इस समय वर्तमान में आज की डेट में उसके आर्थिक हालात नहीं सही हैं। तो क्या एक्स को वाई के कहने पर अपनी हेल्प करवानी चाहिए कि नहीं, इसको हेल्प लेनी चाहिए? हेल्प लेनी चाहिए, डेफिनेटली लेनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बस वाले कांड में ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ये सब क्या था, यहां पे ईगो दिखा दी भाई ने। हम मर जाएंगे लेकिन इसकी हेल्प नहीं लेंगे। ऐसा होता है ना, जिंदगी में भी यही होता है। जब इंडिविजुअल लाइफ में ऐसा होता है तो फिर राजनीति में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पे लगेगा कि हमारी सम्मान और रुतबे की बात है, यही तो बात आएगी और वहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी, वहीं पर एक्चुअल प्रॉब्लम होनी है। लेकिन अगर बस चल दी होती तो क्या हमारे देश के जो श्रमिक हैं उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिलती कि नहीं मिलती? अगर इन्होंने, एक्स ने वाई की हेल्प ले ली तो इनके परिवार को हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी? परिवार मजबूत होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये बात जो बिल्कुल आप कह रहे हैं, ये वाई कहेगा, वाई कहीं ना कहीं कहेगा जरूर। वाई जरूर कहेगा कि मैंने तो हेल्प की थी तुम्हारी उस समय। तो वो सच भी तो है ना। ठीक भी तो है, क्योंकि लोग जो है ना आज क्या करते हैं कि एहसान को भूल जाते हैं। और इसका एक और दृष्टिकोण भी है, जब एहसान किया जाता है तो जताया नहीं जाता है, और जो जता देता है तो फिर वो एहसान खत्म हो जाता है। राजनीति में क्या हो रहा है, यहां पर जताया जाता है, और जब जताया जाता है ना वहीं पे समाज का नुकसान हो जाता है। दो समूह की लड़ाई की वजह से यहां पे पूरे समाज पर इम्पैक्ट पड़ता है, पड़ा पूरे श्रमिक वर्गों पर इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? हमारे समाज के श्रमिकों को तकलीफ हुई कि नहीं हुई? दो हितों ने अपनी लड़ाई में नुकसान कर दिया समाज का। और क्या जिस समाज का नुकसान हुआ है क्या वो उस नुकसान को याद रख पाएगा? क्या उस नुकसान को याद रख पाएगा? नहीं। भारतीय समाज क्या है और ह्यूमन नेचर क्या है? लोहा गरम है, ऐसे कहा जाता है ना, लोहा गरम है हथौड़ा मार दो, यानी कि जो इमीडिएट रिएक्शन होता है हो जाता है, नहीं तो लोग भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। और उसी भूलने का खामियाजा जो है श्रमिकों ने भुगता, लोग भूल गए कि उनके साथ इतिहास में क्या हुआ था। और आज कुछ भी जो हो रहा है उसके लिए एक जिम्मेदार कारक वही है।
तो कभी भी जब इंसान को चोट लगती है और चोट के कारण बहुत सॉलिड होते हैं, तो क्या हम दोबारा वहीं पर चोट खाना पसंद करेंगे? आप सोचिए कि आप एक सड़क से जा रहे हैं और उस सड़क पे उस गड्ढे की वजह से आपको परेशानी हुई थी, तो क्या आप उस गड्ढे को कभी भूल सकते हैं? आप जब जिंदगी में नहीं भूलते हैं, तो जिंदगी को जीने में आप कैसे ऐसी बातों को भूल सकते हैं? और जब भूलेंगे तो दोबारा नुकसान होगा कि नहीं होगा? दोबारा भी वही नुकसान होगा, और वो उससे बड़ा भी हो सकता है, कि हो सके गड्ढा और गहरा हो गया हो, ये भी तो हो सकता है। बरसात भी शुरू हो गई है, दलदल आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हो सके आप उसी में समा जाएं, ऐसा भी हो जाएगा। और ऐसा हुआ, एक्चुअल में हमारे समाज में ऐसा हुआ, जहां पे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए राजनीति की वजह से। लोग राजनीति करते रह गए और यहाँ पे लोगों के अस्तित्व तो खत्म हो गए। अब एक श्रमिक, एक जो समूह है, उसका अस्तित्व तो खतरे में है, और कभी इसके ऊपर बात नहीं होगी। देखिएगा, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, तो कभी भी इस लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ है ना, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा, और ना कभी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पिछले 6 सालों में तो हुई नहीं, आने वाले 4 सालों में भी हम यही उम्मीद करते हैं कि यहां पर समाज के बारे में नहीं सोचा जाएगा। यहां पर ना प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है ही नहीं। कहीं पर भी आपको प्रेशर ग्रुप दिखता है हमारे समाज में, या हमारे लोकतंत्र में, या हमारी भारतीय राजनीति में? मालूम है क्यों नहीं दिखता है? उसकी वजह क्या है बताइए, कोई बता सकता है? प्रेशर ग्रुप क्यों नहीं है? हाँ दिखता है, लेकिन कुछ करता क्यों नहीं? अगर है तो कुछ करता क्यों नहीं, मालूम है क्यों? हम क्या करते हैं, लाइफ में बहुत जज्बाती हो जाते हैं। जैसे आप क्लास में बहुत जज्बाती हो जाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती है ना? और जब आप जज्बाती होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आप जाने अनजाने में अपने सीक्रेट्स बता देते हैं ना? और जब आपने सीक्रेट बता दिए राजन, तो क्या होगा, लोग आपको क्या करेंगे, हमेशा वो क्या करेंगे, ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। ब्लैकमेल, हाँ होता है। यहाँ पे सब चोर हैं राजनीति में। अब सत्ताधारियों को ये पता है कि कौन सी नब्ज पकड़नी है। जैसे पी चिदम्बरम को दबा दिया था उन लोगों ने, जेल में कर दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी चुप, कुछ नहीं बोल सकती है। अब ये बताइए, प्रेशर बनेगा कहां से? अब देखिए एक और चीज, मीडिया जो है, आप कुछ चैनल्स को, मैं चैनल्स का नाम नहीं लूंगा, जो भी मीडिया चैनल्स हैं, जो टॉप के मीडिया चैनल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, सत्ताधारियों के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। वाह वाह ही तो खूब कर देंगे, अगर रसगुल्ला बताना होगा तो रसमलाई की बात कर देंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत है, और ये बात उनको पता है। तो ये प्रेशर कहां से बना पाएंगे? प्रेशर तो तभी बन सकता है ना, जब हमारे अंदर कोई कमी ना हो और हमारे कोई कमजोरी ना हो। जैसे लोग कहते हैं ना, बहुत सारे युवा कहते हैं कि हम जो है लाइफ में शादी नहीं करेंगे, क्योंकि तो मुझे समाज के लिए कुछ करना है। अगर उसने शादी कर ली, तो मालूम चला सामने वाले को पता है कि उसकी कमजोरी क्या है, उसकी फैमिली। यहां पे सत्ताधारियों को यह पता होता है कि इनकी कमजोरी क्या है और इनकी नफ्स क्या है, तो प्रेशर ग्रुप वर्क करेगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रेशर ग्रुप क्यों नहीं वर्क कर पा रहा है।
वर्क नहीं कर पाएगा, और जब वर्क नहीं कर पाएगा तो क्या मांग पूरी हो पाएगी, और जब मांग नहीं पूरी हो पाएगी तो उस प्रेशर ग्रुप का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। जैसे विपक्ष का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा है ना, धीरे धीरे विपक्ष का अस्तित्व जो है समाप्त होने लगा है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये कुछ कर तो नहीं रहा है, रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक समय के बाद ऐसा लगता है जब अपनी आप प्रेजेंस नहीं दिखाएंगे, आपके बहुत सारे रिश्ते ऐसे होंगे और जहां पे आपने बरसों से प्रेजेंस नहीं दिखाई है, तो सामने वाले इंसान को ऐसा लगने लगता है कि ये रिश्ता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि आपको जिस तरीके से रिश्तों में प्रेजेंस दिखानी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से राजनीति में समाज के हित के लिए भी अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ती है। जिस तरीके से आपकी पर्सनल जिंदगी जुड़ी है ना, जिस तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ में इंसिडेंट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से राजनीति में भी वही चीजें होती हैं, और जिसका इम्पैक्ट समाज पे पड़ता है। आपके इंडिविजुअल एक्शन से परिवार पे फर्क पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से एक राजनीतिक क्रिया के द्वारा समाज पे भी फर्क पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की पोस्ट की वजह से कुछ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। उस पोस्ट की बात भी मैं कर दे रहा हूं, क्योंकि कल मुझे एक वाक्य पता चला, और शायद अगर मैं कल मैंने क्लास ना लेकर या जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम क्षणों की फोटो जो है बहुत वायरल हो रही है, बहुत लोगों के द्वारा देखी जा रही, और उससे खासकर पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो हैं बहुत परेशान हो जा रही है ना, लड़कियां या फीमेल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो जा रही हैं, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब उस फोटो का कुछ लेना देना ही नहीं है, जिंदगी में खूबसूरत फोटो भी है उसकी, और आपको अगर संवेदना प्रकट करनी ही है तो खूबसूरत चीजों के साथ भी तो संवेदना प्रकट कर सकते हैं। जाने अनजाने में जो चीजें पोस्ट की जा रही हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है, समाज पे फर्क पड़ रहा है, समाज पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी अगर आपने ऐसे पोस्ट किए हैं तो उसको डिलीट कर दीजिए, या करने वाले थे तो इन फ्यूचर मत करिएगा, और फ्यूचर में भी कभी भी ऐसे पोस्ट को ना सपोर्ट करिएगा और ना कभी समर्थन दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से, आपकी एक ना समझी की वजह से कोई डिप्रेशन में जा सकता है, और अगर वो डिप्रेशन में गया तो आप जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको वो इंसिडेंट भी बता दे रहा हूं कि कल क्या हुआ था, है ना, आप लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है। कल मेरी क्लास नहीं थी, है ना, मेरे गले में प्रॉब्लम की वजह से कल मेरी क्लास नहीं थी, तो मैं लेटा हुआ था, तो एक लड़की का मैसेज आया कि सर मैं बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से, 2-3 दिनों से बहुत डिप्रेशन में हूँ, है ना। तो मैंने कहा कि ठीक है तुम मुझे कॉल कर लो, उसने मुझे कॉल किया तो मैं उस समय उठा नहीं पाया, ठीक है। फिर मैंने 5 मिनट बाद कॉल किया तो उसने के बताया कि सर जब से मैंने ये घटना सुनी है तब से मेरा दिल बहुत घबराता है और मुझे बहुत रोना आता है, और मुझे लगता है कि अचानक से गर्मी बढ़ गई है और मेरी सांसें जो है रुक जाती है, और मुझे लगता है कि कल मैं सुबह उठूंगी कि नहीं उठूंगी,
जब वो इतना हष्ट पुष्ट इंसान अपनी जिंदगी को समाप्त कर देता है और उसको पता भी नहीं रहता है, तो कल को मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। यहाँ पे उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी? ओवर थिंकिंग थी। ओवर थिंकिंग की वजह से वो कहाँ चली गई? डिप्रेशन में चली गई। और वो डिप्रेशन की वजह क्या थी? कि वो उन चीजों को देख रही थी, उसी पोस्ट का इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा था जो उसके अंतिम छोड़ों की थी। क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो हैं कमजोर दिल की होती हैं, ये बात सच है ना? और ये बायोलॉजिकल भी प्रूफ है। तो वहां पर मैंने उसको समझाने की कोशिश की, मैंने लगभग आधे घंटे उससे बात की, और मैंने उसको ये बताने की कोशिश की कि जो तुम सोच रही हो वो एक्चुअल में सच नहीं है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी है, जिंदगी रहेगी तो तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, और जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या हासिल करोगे? और ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी इसलिए दी थी कि तुम ओवर थिंकिंग के बारे में सोचो। मैंने आप लोगों को अपने इंटरव्यू वाले वीडियो में एक बात बताई थी कि जब मैं इंटरव्यू देने के लिए उतरा था तो वहां पर मैक्सिमम लोग फोर व्हीलर से उतर रहे थे। और मैं अगर ये सोच लूं कि यहाँ पे यार बड़े लोग हैं, सब पैसा चलता है, हमारे बस का तो कुछ नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो हमारा इंटरव्यू अच्छा जाता? बिल्कुल भी नहीं जाता। जहां पे ओवर थिंकिंग होगी ना, तो वहां पे हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। उस लड़की की प्रॉब्लम ये थी कि वो उसकी फैन थी, बस प्रॉब्लम ये थी। हाँ है ना, ऐसा नहीं है। हाँ वह मैं कह रहा हूँ ना कि इमोशनल, देखिए जो इमोशनल व्यक्ति होता है वो कमजोर होता है, ये मान चिट के रखिए। जो इमोशनल व्यक्ति होता है वो बहुत कमजोर आदमी होता है। और जो इमोशंस पे कंट्रोल करता है ना, वही मजबूत होता है। आप अपना कमेंट लिख दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं कि आप पूरा कमेंट लिख दीजिए, मैं उसको पूरे ईमानदारी से पढ़ूंगा और फिर मैं आंसर जरूर दूंगा। क्लास को खत्म करने से पहले मैं पहले आपका कमेंट पढ़ूंगा, फिर मैं आंसर देकर ही क्लास ओवर करूंगा। लेकिन मुझे मालूम तो चले कि पूरा कमेंट है क्या, हमें सच में नहीं पता चला कि वो एक्चुअल में आप कहना क्या चाह रही हैं। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ना, कभी भी लाइफ में अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और खासकर फीमेल्स, उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और जिंदगी पे नियंत्रण भी आपका ही होना चाहिए। किसी और के विचारों का, किसी और के थॉट का अस्तित्व आपके जीवन पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी भगवान ने आपको दी है, दिमाग आपको दिया है, तो यूज भी आप ही करेंगे, ना कि किसी और के इंसिडेंट को अपने ऊपर हावी होने देंगे और अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा, हाँ आपका कमेंट बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा कमेंट, बहुत सही है। हाँ अब पूजा बदाना आप अपना कमेंट लिखिए, मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं क्लास को ओवर करूंगा। वैसे मुझे क्लास 1 घंटे ही लेनी थी, लेकिन ये क्लास 1 घंटे 15 मिनट से ज्यादा चली गई। तो लास्ट कमेंट हम पूजा का लेंगे और फिर क्लास को ओवर कर देंगे। लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन उसको कब तक अपने जीवन में धारण किए रहते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना? कहना है पूजा, पूजा है अभी? जब भी किसी के, हाँ जल्दी से टाइप कर दीजिए, ही इज आस्किंग अबाउट यूनिट 8। सर मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दीजिए प्लीज।
आपके प्रॉब्लम की रिक्वेस्ट मैंने डेफिनेटली डाल दी है, टीम उसके ऊपर काम कर रही है, आप उसके लिए पूरी तरह से श्योर हो सकते हैं कि मेरे एंड से सारी चीजें कर दी गई और टीम उसके ऊपर पूरा प्रॉपर वर्क कर रही है ना आदर्श। मेरे रहते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे एंड से जो 100% होगा वो मैं डेफिनेटली कर रहा हूं और वो हो जाएगा, है ना। टीम विल बी वर्क सर, ही इज आस्किंग अबाउट यूनिट 8। यूनिट 8 की प्रॉब्लम क्या है, मैं तो ये जानू ना कि यूनिट 8 में प्रॉब्लम कहां से आ गई। मैं पूजा आप ही के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, आप जल्दी से बोल दीजिए नहीं तो फिर मेरे ऊपर एक दाग लग जाएगा कि हमने जो है कमेंट नहीं लिया आपका। हाँ क्लास इज ओवर, डेफिनेटली क्लास इज ओवर, जल्दी से कमेंट है। हाँ बिल्कुल जा सकते, बिल्कुल दाग अच्छे हैं सर। अरे भाई मैं वेट कर रहा हूँ ना, मैं कुछ सेकंड और वेट करूंगा, अगर फिर मुझे नहीं लगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ में आना चाहिए ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैं आप लोगों को क्या करता हूँ कि कमेंट जो है ना कभी कभी नहीं समझ में आता है, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मुझे जो है ना कॉल कर लीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि जो कमेंट का कन्वर्सेशन होता है कभी कभी आपके एंड से लगता है कि सामने वाले को मैंने समझा दिया है, लेकिन एक्चुअली जरूरी थोड़ी ना कि सामने वाला समझ ही गया हो, है ना। तो ये कमेंट की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा है, इसको आप लोगों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि कमेंट की वजह से जो है ना आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कमेंट ऐसी चीज है जहां पे आप कभी कभी अधूरी चीजें कह देते हैं। हाँ 5 बजे वाली क्लास होगी, है ना, 5 बजे वाली क्लास होगी और कुछ चेंजेस होने वाले हैं, शायद 20 जून से कुछ चेंजेस दिखेंगे जो आज शायद क्लियर हो जाएंगे। और अगर देखिए कभी भी एक चीज याद रखिएगा, चेंजेस मुझे भी कंफर्म हो जाए, वो मुझे रात को कंफर्म होने वाले थे लेकिन हुए नहीं, लेकिन जैसे ही कंफर्म होगा शायद 9 बजे की क्लास तक कंफर्म हो जाए तो वो इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। एक चीज याद रखिएगा, लाइफ में अगर आपने किसी को गुरु माना है, किसी को मेंटर माना है ना, तो उससे अपनी बात डेफिनेटली कहनी चाहिए। कहीं जैसे कि अगर मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं 10 बार पूछता था, आप लोग भी पूछ सकते हैं, मैंने इतनी इंडिपेंडेंस आप लोगों को दी है कि आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। और लाइफ में एक प्रशासक वही अच्छा होता है जो सीखने में पीछे नहीं हटता है। अगर मान लेते हैं कि किसी ने मेरा फाइन काट दिया परिवहन विभाग में, तो मुझे ये राइट है कि मैं कम से कम ये तो बात जानूं कि मेरा चालान क्यों कटा था, ये राइट है। तो जिंदगी का राइट भी है आप लोगों को, आप अगर किसी से कुछ पूछ रहे हैं, किसी से सीख रहे हैं, अगर वो सीखने वाली बात आपको नहीं समझ में आई तो फिर आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। चलिए राजन के कमेंट को कंसीडर किया जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो क्लास को ओवर करते हैं और आप लोग देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनको लिखिएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, लिखने में प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन लिखना है, क्योंकि जब आपने कभी लिखा ही नहीं है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे। जिंदगी में जो विचार हैं उन विचारों को पेन से चलाना पड़ेगा। हम बोलते बहुत अच्छा है, हम सभी बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन जब पेन चलाना होता है ना तो वहीं पे तो पेन रुक जाता है। और फिर आप लोग यही कहते हैं कि आंसर सर हमें पता तो है उस टॉपिक के बारे में
लेकिन लिखना कैसे यही नहीं पता है। होता है, ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में सबके साथ होता है ना, एक्चुअल में सच है ये, है कि नहीं सच ये? और अगर ये सच है तो आप अपनी जिंदगी में ये पीछे मुड़ के ये देखिए कि जब आपसे कोई राय मांगता है तो हम राय चंद बनने में बहुत आगे रहते हैं, और 5 मिनट की जगह 20 मिनट उसको राय दे देते हैं, देते हैं ना। तो उसी राय को अगर पेन में लिखना हो, अगर आपके पेन से कॉपी पे लिखना हो तो आपको लिखने में दिक्कत आएगी। है ना? जिसको आपने 20 मिनट सुझाव दिया है, अगर उन्हीं सुझावों को अगर पेन से लिखना होगा ना तो आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। अभी मुश्किल से 38 क्लासेज हुई हैं और आप ये सोच रहे हैं कि 38 क्लासेज में आप आंसर लिखना जान जाए जो आपने अभी कोशिश ही नहीं की है, और ऊपर से आपको बेस्ट आंसर लिखना है, तो इतना आसान तो नहीं है। इस दिमाग को यूज करते हुए अपने पेन को भी चलाना होगा। हाँ, एक और बटन, अभी मुझे मालूम चला एक बटन और आ गया है अनअकैडमी पे, जूम वाला बटन है ना, अभी अचानक से मेरी नजर गई, तो अब जूम जैसे हो सकता है, ऐसे जूम हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है, अच्छी बात है। तो बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। चलिए, है ना, आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है धीरे धीरे। अनअकैडमी बहुत सोच रहा है आप लोगों के बारे में, आप लोग अपने बारे में सोचिए। अनअकैडमी तो सोच रहा है, अब आप अपने बारे में कितना सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। कल से हम लोग राजनीति और समाज के थॉट्स पर जाएंगे, जो प्रमुख पहलू हैं उनके ऊपर जाएंगे, और ये जो प्रश्न है उनके ऊपर लिखने की कोशिश करिएगा। हाँ, अभी फीस और बढ़ेगी, है ना, ये एक मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपके जानकार में अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेने वाला है तो उसको बता दीजिए कि फीस और बढ़ने वाली है, कम तो नहीं होगी। थैंक यू सो मच।